यूपी की जनसभाओं में जमकर वर्षे अमित शाह, कहा सपा की लेफ्ट का मतलब लूट, आतंकवाद और भ्रष्टाचार। योगी सरकार ने प्रयागराज के 70,000 परिवारों को दी राहत, हाउस टैक्स के बकाए का ब्याज किया माफ। तेज प्रताप पर एफआईआर के बाद बीजेपी जेडीयू का तंज, लालू परिवार की राजनीतिक डीएनए, संपत्ति की हेराफेरी और अवैध संपत्ति का सृजन। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए वाराणसी में सक्रिय किए गए 14 बूथ, निशुल्क एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच। पंजाब चुनाव में 3 जनवरी को होने वाली मोगा रैली कैंसिल, राहुल गांधी विदेश चले गए तो पार्टी को टालना पड़ा कार्यक्रम। ऐसे कैसे थमेगा कोरोना, आज यूपी में योगी अमित शाह की धुआंधार रैलियां, पटियाला में केजरीवाल निकालेंगे शांति मार्च। लालू के बेटे पर एफआईआर को लेकर बिहार में सियासत तेज, जेडीयू का तंज, पिता और भाई से कैसे पीछे रहते तेज प्रताप। केशव प्रसाद मौर्य बोले 2022 छोड़िए, 2027 में भी अखिलेश नहीं, इस बार जनता शिक्षा लगाएगी, सभी 6 सीटों पर भाजपा को जिताएगी। गहलोत बोले मोदी और शाह यूपी में जितना अधिक प्रचार करेंगे भाजपा की जीत की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। पश्चिम की पिच पर पीएम मोदी, लगाएंगे चुनावी मास्टर स्ट्रोक, सूबे में जाएगा संदेश। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।